हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग देख रहे हैं डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर्स। पिछले वीडियो में हम एक प्रॉब्लम ले चुके हैं जहां पर हमने देखा था कि नेट सेक्शनल एरिया ऑफ द प्लेट कैसे कैलकुलेट करते हैं चेन बोल्टिंग में। ठीक है, तो आज का वीडियो लेंगे हम, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे नेट सेक्शनल एरिया फॉर स्टैगर्ड बोल्टिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पिछला प्रॉब्लम अगर आपने नहीं देखा होगा तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देख सकते हैं, कुछ इस तरह से दिया है। ए प्लेट ऑफ 160 mm एंड 8 mm विथ द होल ऑफ 16 mm बोल्ट। तो एक एक करके देखेंगे क्या दिया है। सबसे पहले 160 mm और 8 mm, ये जो होता है ये होता है बी इंटू टी, मतलब विड्थ इंटू थिकनेस। तो यहाँ पर बी दिया है 160 mm, वो तो क्वेश्चन में क्लियरली देख सकते हैं, डायग्राम में हमको 160 यहाँ पर लिखा गया है और 8 mm है हमारा थिकनेस, टी इक्वल्स टू mm। उसके बाद क्या बोला है, विथ द होल्स ऑफ 16 mm बोल्ट्स। अब बताओ ये होल का डायमीटर दिया है कि बोल्ट का डायमीटर दिया है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में क्लियरली लिखा गया था डायमीटर ऑफ द बोल्ट होल इज 20 mm, मतलब होल का डायमीटर दिया था 20 mm। अब की बार हमको क्या दिया है, हमको बोल्ट का डायमीटर गिवन है कि होल का डायमीटर गिवन है। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन क्या बोला है, विथ द होल्स, होल्स किए हैं 16 mm डायमीटर के बोल्ट से, का मतलब 16 mm डायमीटर इज द डायमीटर ऑफ बोल्ट, d इक्वल्स टू 16 mm दिया है। यहाँ पर d नॉट कैलकुलेट कर लो, अगर आपको d पता है तो d नॉट मिल जाएगा। देखो d नॉट के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर फॉर्मूला आप देख सकते हो, 16 mm के d के लिए d नॉट कैसे निकलेगा, d प्लस टू, तो कर दो d प्लस टू, तो d प्लस टू करेंगे तो 16 प्लस टू 18 mm। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या बोला है, एज शोन इन फिगर फाइंड द क्रिटिकल नेट सेक्शनल एरिया ऑफ द प्लेट। क्रिटिकल नेट सेक्शनल एरिया ऑफ द प्लेट पूछा गया है, जो कि होता है ए एन, अननोन है हमारा ए एन, नेट सेक्शनल एरिया जो कि क्रिटिकल है, क्रिटिकल नेट सेक्शन एरिया। तो क्रिटिकल कहां पर आएगा, क्रिटिकल मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा प्लेट फटने के चांसेस कौन से पॉइंट पर है, वो होता है क्रिटिकल। तो वो चीज हमको पूछा गया, तो वो निकलेगा हमारा मिनिमम, इसमें से जो भी मिनिमम होगा वो निकलेगा। अब कैसे निकालेंगे वो देखो ध्यान से, क्वेश्चन में डायमेंशंस आपको क्लियर हो गए होंगे कि 160 यहाँ पर विड्थ दिया है प्लेट का, 40 क्या दिया है, एक बोल्ट से दूसरे बोल्ट तक का डिस्टेंस दिया है 40, यहाँ पर भी 40, यहाँ पर देखो प्लेट के एंड से बोल्ट के सेंटर तक का डिस्टेंस है 30, इसको क्या कहते हैं, एंड डिस्टेंस। यहाँ पर भी 30 दिया है, वो भी क्या है, एंड डिस्टेंस। अब देखो दो बोल्ट के बीच में 25 25 25 25, हर दो बोल्ट के बीच में ये डिस्टेंस है 25 है। ठीक है, एंड ऑल डायमेंशन आर इन mm बोला गया है, क्लियरली क्वेश्चन इस तरीके से दिया है। तो फाइंड करना है हमको क्रिटिकल नेट सेक्शन, तो सॉल्यूशन पार्ट चालू करेंगे हम लोग। इस तरीके से आपके बोल्ट्स है, अब मैं यहाँ पर कुछ नंबरिंग देने वाला, उस नंबरिंग के ऊपर थोड़ा ध्यान दो। ये मेरा पहला सेक्शन है, लेकिन मैं यहाँ पर नंबरिंग देने वाला हूँ, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना। ये 1, ये 2 3 4 एंड ये 5, ये पहला सेक्शन है। उसके बाद ये मेरा दूसरा सेक्शन है, जिसका नाम दूंगा मैं, 5 तक हो गया, यहाँ पर 6 7 8 एंड 9। ठीक है, उसके बाद ये मेरा तीसरा सेक्शन है, 9 तक हो गया, 10 11 एंड 12। थोड़ा ध्यान से देखो आप, प्लेट फटने के यहां पर कहां-कहां पर चांसेस है, मैं कुछ नंबर से यहां पर लिखूंगा, आप उस नंबर को थोड़ा ध्यान से देखना। द सेक्शन मे फेल अलोंग, देखो थोड़ा ध्यान से मैं कुछ नंबर्स लिखूंगा अभी। सबसे पहले जो सेक्शन फेल होगा वो कहां पर फेल होगा, 1 2 3 4 5 के अलोंग, 1 2 3 4 5 इसके अलोंग फटने के सबसे पहला चांस है। सेकंड चांस देखो प्लेट फटने का क्या है, 6 7 8 9, मतलब इसके अलोंग प्लेट फट के निकल जाएगा, 6 7 8 एंड 9। ठीक है, ये मेरा सेकंड चांस है कि प्लेट इसके अलोंग फट सकता है। अब देखो थर्ड चांस क्या हो सकता है, कि 10, 11, 12 के अलोंग फट सकता है, 10, 11 एंड 12 के अलोंग फट सकता है। ठीक है, ये मेरे चांसेस हो गए
ये जो चांसेस होते हैं ये सेम होते हैं जो चेन बोल्टिंग में फटता है। चेन बोल्टिंग में भी तो ऐसे ही फटता है ना। देखो चेन बोल्टिंग में कैसा फटता है प्लेट, चेन बोल्टिंग में स्ट्रेट फटता है। देखो थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, चेन बोल्टिंग में कैसे फटता है, देखो स्ट्रेट फटता है। यहाँ पर जो आप देख सकते हो स्ट्रेट फटता है चेन बोल्टिंग में। तो चेन बोल्टिंग के लिए तो यही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, ए एन इक्वल्स टू बी माइनस एन डी नॉट इंटू टी। चेन बोल्टिंग के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब तक जो तीन हमने पॉसिबल देखे हैं वो तो चेन बोल्टिंग के लिए वैसे ही फटता है। आप स्टैगर्ड बोल्टिंग में कैसे फटेगा वो देखो। 1 2 7 8 4 5 ये एक होगा पॉसिबल फटने का। तो मैं अभी इसको ड्रॉ करता हूं, देखो थोड़ा ध्यान से। 1 2 7 8 4 5 ये एक पॉसिबल है मेरा फटने का स्टैगर्ड बोल्टिंग में। 1 2 7 8 1 2 7 8 4 5 4 5 ठीक है। तो नेक्स्ट चांस क्या है प्लेट फटने का, 1 2 7 11 8 4 एंड 5 ये मेरा एक चांस हो सकता है कि मेरा प्लेट इस तरीके से फट के निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो इसके नंबरिंग लिख दो क्या है, 1 2 7 11 8 4 5 ये सब है मेरे पॉसिबल्स कि मेरे प्लेट इस तरीके से फट सकते हैं। तो स्टैगर बोल्टिंग में आपको यही देखना होता है कि कितने पॉसिबल हो सकते हैं कि आपका प्लेट फट सकता है। सबसे पहले आपको ये चीज निकालना है। अब हम आगे बढ़ेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। देखो अभी ध्यान से, ये आपने एक बार निकाल लिया, अब आपको फॉर्मूले लगाने हैं। अब उस फॉर्मूले को ध्यान से देखो। इस फर्स्ट को जो नाम दे रहा हूं मैं, ये सीरियल नंबर का नाम यहां पर लिख रहा हूं फॉर फर्स्ट के लिए, जो कि है 1 2 3 4 एंड 5। इसके लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, लेकिन इसके लिए जो मेरा फॉर्मूला लगेगा इज सेम एज चेन बोल्टिंग क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन जैसे चेन बोल्टिंग का होता है वो सेम है 1 2 3 4 5 वाला जो स्ट्रेट है। तो स्ट्रेट के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन इक्वल्स टू बी माइनस एन डी नॉट होल मल्टीप्लाई बाई टी। स्ट्रेट लाइन के लिए वो फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। ये फॉर्मूला है आपका फॉर चेन बोल्टिंग। अगर आपका स्ट्रेट लाइन में है तो आप चेन बोल्टिंग का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो यहां पर मुझे क्या क्या चाहिए, बी चाहिए, तो बी कितना है 160। एक मैं एक ही बार यहां पर लिख लेता हूं, ऊपर जाना नहीं पड़ेगा फिर बार बार। तो आप हम यहां से क्लियरली देख सकते हो, फॉर्मूले में डाल दो खाली ए एन के। तो ए एन इक्वल्स टू बी कितना है 160 माइनस एन। अब ये एन क्या होता है, नंबर ऑफ बोल्ट एट क्रिटिकल सेक्शन। तो बताओ हम लोग किसके लिए देख रहे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 के अलोंग कितने बोल्ट है, 3 बोल्ट है। ग्रीन कलर में देख रहे हो ना, वो हमारे बोल्ट्स है। तो एक बोल्ट है 2 पर, एक है 3 पर और एक है 4 पर। इसका मतलब इसके अलोंग 1 2 3 4 5 के अलोंग 3 बोल्ट है। तो n के जगह पर आप रखोगे 3। n इज नंबर ऑफ बोल्ट्स एट क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन क्या है, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ बोल्ट्स क्या हुआ एट क्रिटिकल सेक्शन, 1 2 3 बोल्ट मल्टीप्लाई में डी नॉट। डी नॉट कितना है 18, तो यहां पर रख दो 18 एंड होल्ड मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। थिकनेस कितना है 8, 848 एंड ये यूनिट क्या होता है, एमएम स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है। ठीक है, यहां पर आपको पहला आंसर आ गया 848। अब चलेंगे हम लोग दूसरे के लिए। तो दूसरा भी हमारा चेन बोल्टिंग ही होगा, क्योंकि दूसरे का सेक्शन का नाम क्या है, देखो 6 7 8 9। तो फॉर 6 7 8 9 यहां पर भी, तो इस पहले आंसर को मैं हाईलाइट कर देता हूं, इसको हाईलाइट कर दिया। अब देखिए हम लोग फॉर 6 7 8 9 फॉर्मूला सेम है, 6 7 8 9 को भी चेन बोल्टिंग का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में है ना 6 7 8 9। देखो 6 7 8 9 स्ट्रेट लाइन में, जब स्ट्रेट लाइन में होता है तब चेन बोल्टिंग का फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है ना, फॉर्मूला यहां से आप देख सकते हो। तो खाली उसमें पुट करना है हमको, देयरफॉर ए एन इक्वल्स टू बी, बी कितना है 160
माइनस, अब देखो एन की जगह पर आप क्या रखोगे, नंबर ऑफ बोल्ट एट क्रिटिकल सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन क्या है 6, 7, 8, 9, अब देखो 6, 7, 8, 9 इज माई क्रिटिकल सेक्शन, हाउ मेनी बोल्ट आर देयर इन क्रिटिकल सेक्शन 7 एंड 8, मतलब 2 बोल्ट है मेरे क्रिटिकल सेक्शन पे, तो यहां पर मैं रख दूंगा एन इक्वल्स टू 2 इंटू डी नॉट की जगह पर सेम 18, बाकी कोई चेंजेस नहीं, यहां पर 3 की जगह पर 2 रखना है खाली, बाकी 18 एंड मल्टीप्लाई में होल थिकनेस की जगह पर 8 रखना है, जो कि यहां पर जो रखा था वो सेम है, खाली 3 की जगह पर 2, और इसको सॉल्व करो आता है 992, ठीक है 992, और mm स्क्वायर होगा यूनिट, ठीक है, क्योंकि ये एरिया है, तो इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये हमारा सेकंड आंसर है। अब चलिए थर्ड के लिए, फॉर थर्ड का नंबर क्या है 10, 11, 12, 10, 11 एंड 12, अब बताओ 10, 11, 12 को कौन सा फॉर्मूला लगेगा, चेन बोल्टिंग का लगेगा, क्योंकि 10, 11, 12 इन स्ट्रेट लाइन, जब भी स्ट्रेट लाइन में फेलियर होता है वहां पर चेन बोल्टिंग का फॉर्मूला लगेगा, तो चेन बोल्टिंग का ही फॉर्मूला लगना है यहाँ पर। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि ए एन की जगह पर जो 2 है वहां पर मुझे क्या चेंजेस करना है, एन क्या होता है नंबर ऑफ बोल्ट एट क्रिटिकल सेक्शन, तो यहाँ पर मेरा क्रिटिकल सेक्शन पे कितने बोल्ट है काउंट करो, क्रिटिकल सेक्शन क्या है 10, 11, 12, तो हाउ मेनी बोल्ट आर देयर इन 10, 11, 12, 1 बोल्ट इज देयर एट नंबर 11, तो 1 रखना है मुझे वहां पर, तो एन की जगह पर मैं क्या रखूंगा 1 इंटू, बाकी सब तो डी नॉट और ये सब सेम है, बाकी कोई चेंजेस नहीं, खाली जो फॉर्मूला हमने पुट किया था इस 2 के जगह पर 1 कर दो, 1136 mm square, दिस इज योर थर्ड अननोन। तो अब तक हमने 3 कैलकुलेट कर लिए, 1, 2, 3, तो यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा, क्योंकि ये तो सिंपल है चेन बोल्टिंग के लिए, ऑलरेडी हम लोग चेन बोल्टिंग कर चुके हैं। मेन ये क्वेश्चन हमने क्यों उठाया, क्योंकि हमको स्टैगर्ड बोल्टिंग का कैलकुलेट करना सीखना है। तो अब आते हैं बारी हमारी स्टैगर्ड बोल्टिंग की 4, 5, तो ऐसा नहीं है ना मैं डायरेक्ट 4, 5 लेके आपको नहीं चालू कर सकता था ना, मुझे भी इसी ऑर्डर में जाना था 1, 2, 3, 4, 5। अब चलते हैं हम लोग फोर्थ की तरफ, आप देखेंगे फॉर अब मुझे यहां पर लगाना है, तो सबसे पहले देखो जो मैंने येल्लो वाली लाइन बनाई थी यहाँ पर पीछे देख सकते हैं येलो वाली लाइन है वो मेरी है 1, 2, 7, 8, 4, 5, तो जाहिर सी बात है वो मेरी स्टैगर्ड बोल्टिंग की लाइन है, तो मैं वहां पर मैं चेन बोल्टिंग का फॉर्मूला कब लगा सकता हूँ, जब मेरी लाइन स्ट्रेट हो, जब मेरी लाइन स्टैगर्ड हो, स्टैगर्ड मतलब जिगजैग, स्टैगर्ड का मतलब होता है जिगजैग, जब मेरी लाइन जिगजैग हो तब मैं चेन बोल्टिंग का फॉर्मूला नहीं लगा सकता, मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है फॉर स्टैगर्ड बोल्टिंग का फॉर्मूला लगाना है। स्टैगर्ड बोल्टिंग का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू बी माइनस एन डी नॉट प्लस सिग्मा पी एस आई स्क्वायर अपॉन 4 GI, ये सब होल मल्टीप्लाई में टी, तो फॉर्मूला में लिख लेता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ कि करना क्या है, बी माइनस एन डी नॉट प्लस सिग्मा पी एस आई स्क्वायर अपॉन 4 GI इंटू टी। तो आपको ये पता चल गया होगा कि बी और एन डी नॉट और टी कैसे रखेंगे, अब ये पी एस आई स्क्वायर अपॉन 4 GI कैसे रखेंगे, और ऊपर से यहाँ पर सिग्मा भी है, तो ये कैसे रखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखो, जब मैंने इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था तब मैंने आपको क्लियरली यहाँ पर कुछ लिखा था, देखो 1 पी एस आई स्क्वायर अपॉन 4 GI फॉर 1 लाइन, एक डायगोनल लाइन के लिए 1 पी एस आई स्क्वायर अपॉन 4 GI लगाना है, तो देखो क्या होता है पी एस आई होता है पिच डिस्टेंस और GI होता है गेज डिस्टेंस, लेकिन वो एक डायगोनल लाइन के लिए, यहां पर देख सकते हो एक लाइन के लिए एक फॉर्मूला लगेगा, 1 पी एस आई स्क्वायर अपॉन 4 GI फॉर 1 लाइन क्लियरली लिखा है, ध्यान देना उसके ऊपर, आप देखो करना क्या है यहां पर, तो ए एन इक्वल्स टू बी हमें पता है, अब बी देख सकते हैं 160 यहां पर ऊपर 160 यहां पर देखो 160 माइनस एन, अब एन क्या होता है नंबर ऑफ बोल्ट्स एट क्रिटिकल सेक्शन, अब तक आपको पता चल गया होगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो ये मेरी जो येल्लो वाली लाइन थी वो मेरी फोर्थ वाली लाइन है, ठीक है 1, 2, 7, 8, 4, 5 वाली, तो येल्लो वाली लाइन में कितने बोल्ट है देखो, एक 2 पर है, एक 7 पर है, एक 8 पर, एक 4 पर है, मतलब 2, 7, 8, 4, 4 बोल्ट है, राइट 4 बोल्ट है मेरे उस क्रिटिकल सेक्शन पे, तो मैं एन की जगह पर कितना रखूंगा 4 रखूंगा। अब तक तो डाउट क्लियर हो चुका होगा कि नंबर ऑफ बोल्ट एट क्रिटिकल सेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिस लाइन के लिए देख रहे हो 1, 2, 7, 8, 4, 5 उस लाइन में कितने बोल्ट आ रहे, वो होगा आपका एन नंबर ऑफ बोल्ट एट क्रिटिकल सेक्शन,
मल्टीप्लाई में डिनोट, डिनोट कितना था यहाँ पर देखो, डिनोट मैंने लिखा था 18, तो यहाँ पर रख दो 18। अब आता है प्लस सिग्मा पी एस आई स्क्वायर अपॉन 4GI की बारी। अब ये कैसे रखेंगे, ये क्या होता है, एक डायगोनल लाइन के लिए एक पी एस आई स्क्वायर अपॉन 4GI। यहाँ पर कितने डायगोनल लाइन है, एक डायगोनल लाइन है मेरा 2 से लेकर 7 के बीच में। मेरा नंबर क्या है, फोर्थ वाला कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, 1 2 7 8 4 5। तो कितने डायगोनल लाइन आ रहे हैं, 2 से 7 तक एक डायगोनल लाइन आ रहा है और 8 से 4 तक दूसरा डायगोनल लाइन आ रहा है। तो मेरे को कितने बार करना पड़ेगा, ये जो सिग्मा है पी एस आई स्क्वायर अपॉन 4GI कितने बार लगाना पड़ेगा, 2 बार लगाना पड़ेगा, क्योंकि 1 PSI स्क्वायर अपॉन 4GI फॉर 1 लाइन, 1 डायगोनल लाइन के लिए 1 बार लगाना पड़ेगा। मेरे पास 2 डायगोनल लाइन आ रहे हैं तो मुझे 2 बार लगाना पड़ेगा। तो हालांकि डायमेंशन तो सेम है, डायमेंशन सेम है, इसलिए हम लोग 1 को निकालेंगे और मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। अगर डिस्टेंस अलग अलग होते तो आपको अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ता, ऊपर का अलग और नीचे का अलग, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस सिमिलर है, सारे सिमेट्रिकल है ना ये, इसलिए 1 का कैलकुलेट करो और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, मतलब दोनों के लिए मिल जाएगा। तो देखो 1 का कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, यहाँ पर पी एस आई क्या होता है, पी एस आई होता है, देखो यहाँ पर पी एस लिखा है, पी एस आई होता है पिच डिस्टेंस, तो क्वेश्चन में पिच डिस्टेंस दिया है चाहिए तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। देखो पी एस आई इक्वल्स टू पिच डिस्टेंस, पिच डिस्टेंस जो कि अलोंग द डायगोनल लाइन, ठीक है, डायगोनल लाइन के यहां से लेकर यहां तक होता है पी एस आई, और डायगोनल लाइन के यहां से लेकर यहां तक होता है जी आई। अब बताओ पी एस आई कितना है और जी आई कितना है, क्वेश्चन में देखो पी एस आई और जी आई कितना दिया है, कोई भी एक बोल्ट देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे बोल्ट सिमेट्रिकल है। पी एस आई क्या होता है, एक बोल्ट से लेकर दूसरे बोल्ट तक का डिस्टेंस, ये होता है पी एस आई। पी एस आई क्वेश्चन में मुझे गिवन है ना 40, तो मेरा पी एस आई हो गया 40। और जी आई क्या होता है, एक बोल्ट से लेकर दूसरे बोल्ट तक का ये वाला डिस्टेंस, ये होता है मेरा जी आई। तो 40 और 25 पी एस आई हो गया मेरा 40, और जी आई क्या होता है, गेज डिस्टेंस, गेज डिस्टेंस दैट इज 25, करेक्ट है, 40 और 25, देखो 40 और 25, ठीक है। तो ये एक लाइन के लिए है, यहां से लेकर यहां तक एक लाइन के लिए एक पी एस आई स्क्वायर अपॉन 4GI लगाएंगे। यहां पर मेरी 2 लाइन है तो मैं सिर्फ, यहां पर देखो मेरी ब्राउन कलर की 2 लाइन है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, तो प्लस है यहां पर, ठीक है, साइन देखो यहां पर क्या है, प्लस पी एस आई स्क्वायर, पी एस आई कितना है 40, 40 का स्क्वायर अपॉन 4GI, 4 into 25, लेकिन भूलना मत मुझे इसको मल्टीप्लाई बाय 2 भी करना है, क्योंकि सिग्मा है यहाँ पर, सिग्मा, सिग्मा मतलब जितने डायगोनल लाइन होंगे उतने बार, 2 डायगोनल लाइन है इसलिए मैंने 1 का कैलकुलेट किया और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, मतलब कि 2 का, या फिर 2 बार लिख लो, कंफ्यूजन आ रहा है तो सीधा यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 करने से अच्छा 2 बार लिख दो, 40 स्क्वायर अपॉन 4 into 25, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करेंगे, सीधा 2 बार ही लिख दिया, क्योंकि 2 लाइन है इसलिए 2 बार लिख दिया। और देखो होल मल्टीप्लाई बाय थिकनेस है, तो थिकनेस कितना है, थिकनेस यहाँ पर देख सकते हो, थिकनेस है मेरा 8 mm, तो 8 रख दो यहाँ पर, तो यहाँ से सॉल्व करो आपको n मिल जाएगा, तो यहाँ से आंसर आता है आपको 960 एंड यूनिट विल बी mm स्क्वायर। तो ये हो गया आपका चौथे का आंसर, फोर्थ वाला देखो, फोर्थ हो गया हमारा। अब फिफ्थ के लिए हम लोग फटाफट कर सकते हैं ना, तो फिफ्थ के लिए ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग, फोर्थ वाले से समझ में आ गया होगा कि करना क्या है, अब लेंगे फिफ्थ वाले को। तो चलो फॉर सेक्शन 1 2 7 11 8 4 5, ठीक है, 1 2 7 11 8 4 5, तो लगाते हैं स्टैगर्ड बोल्टिंग का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला यहां से ही देखो, बस वैल्यूज हम लोग देखेंगे, B, तो B 160 है, यहां से देख सकते हो B 160 है, तो रख दो वहां पर 160 माइनस N, N क्या होता है,
नंबर ऑफ बोल्ट एट क्रिटिकल सेक्शन, तो व्हाट इज माय क्रिटिकल सेक्शन, 1 2 7 11 8 4 5 इज माय क्रिटिकल सेक्शन, तो हाउ मेनी बोल्ट्स आर देयर इन माय क्रिटिकल सेक्शन, 1 2 7 11 8 4 5, पिंक कलर की लाइन में कितने बोल्ट हैं, 1 2 3 4 5 बोल्ट है, मेरी पिंक कलर की लाइन में 5 बोल्ट है, ठीक है, तो मैं यहां पर रखूंगा नंबर ऑफ बोल्ट्स एट क्रिटिकल सेक्शन इज 5 बोल्ट्स, 5 इंटू डी नॉट, तो डी नॉट भी यहां पर देख सकते हो 18, बाकी सब तो सेम है, 18 मेरा डी नॉट है, प्लस PSI स्क्वायर अपॉन 4GI, अब ये तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके ना, PSI है 40 और GI है 25, सबके लिए सेम है, अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिमेट्रिकल है, सबके लिए PSI 40 है और सबके लिए GI 25 है, लेकिन कितने PSI स्क्वायर अपॉन 4GI यहां पर लगेंगे, कितने डायगोनल लाइन है सबसे पहले ये बताओ, तो मेरा सेक्शन क्या है, नंबरिंग देखो 1 2 7 11 8 4 5, 1 से 2 डायगोनल लाइन नहीं है, 2 से 7 डायगोनल लाइन है तो एक डायगोनल लाइन, 7 से 11 एक डायगोनल लाइन है तो एक और डायगोनल लाइन हो गया, 11 से 8 भी डायगोनल लाइन है तो ये भी एक डायगोनल लाइन हो गया, 8 से 4 भी डायगोनल लाइन है तो ये भी एक डायगोनल लाइन हो गया, 4 से 5 भी मेरा पिंक कलर में है, क्या वो डायगोनल लाइन है, नहीं ना, मुझे सिर्फ डायगोनल लाइन देखना है, जो मेरा सेक्शन है फिफ्थ वाला 1 2 7 11 8 4 5 उसमें कितने डायगोनल लाइन है वो मुझे देखने है, तो कितने डायगोनल लाइन है, 1 2 3 4, तो PSI स्क्वायर अपॉन 4GI मुझे 4 बार करना पड़ेगा, तो यहां पर देखो यहां पर हमने कैसे 2 बार किया था, अब मुझे 4 बार लिखना पड़ेगा, इसलिए यहां पर सिग्मा होता है, वो सिग्मा क्या कहलाता है कि कितने डायगोनल लाइन है उतने बार PSI स्क्वायर अपॉन 4GI, तो यहां पर मुझे 4 बार PSI स्क्वायर अपॉन 4GI लिखना पड़ेगा, तो अभी मैं डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूं या 4 बार लिख दूं, तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 4 लिख देता हूं, क्योंकि अब तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहां पर मैंने 2 लिख दिया था, तो अभी यहां पर 4 बार लिखने से मतलब नहीं है, उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे हम लोग, एक बार लिखेंगे PSI स्क्वायर अपॉन 4GI कितना है, 40 का स्क्वायर अपॉन 4GI, 4 इंटू GI कितना है मेरा 25, और मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगा, क्योंकि 4 बार लिख के कोई मतलब नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा कि सिग्मा मतलब क्या कहलाता है, जितने डायगोनल लाइन बनेंगे उतने बार, तो देखो ब्लू कलर की मेरी डायगोनल लाइन बन रही है मेरे पिंक कलर की लाइन के लिए, पिंक कलर की लाइन है ना मेरा पांचवा सेक्शन जो है वो पिंक कलर वाली लाइन वाला है, 4 बार लिखो या फिर 4 बार लिख के उनको प्लस करो या फिर एक बार लिखा और उसी को मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, एक ही बात है, फॉर्मूले के बाद होल मल्टीप्लाई बाय थिकनेस भी है, दैट इज थिकनेस कितना है 8 mm, वो यहाँ से आप देख सकते हो इस फॉर्मूले में लिखा था हमने 8 mm, तो 8 हो गया, अब इसको सॉल्व करो आपको इसका AN मिल जाएगा, इसको मिटा देते हैं और डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे यहाँ पर ही, और यहाँ पर जो हमारे 4 बोल्ट हमने पिछली बार किए थे अभी हमारा कितना है 5 बोल्ट है, तो 4 को हटा के 5 कर देंगे, ठीक है, बाकी सब सेम है ना, 160 माइनस 5 इंटू 18 प्लस 40 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 25 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि 4 डायगोनल लाइन बन रहे हैं और होल मल्टीप्लाई बाय थिकनेस जो कि है 8, सॉल्व करो 1072 यूनिट विल बी mm स्क्वायर, क्योंकि यह है एरिया, तो यहां पर मेरे को सारे मिल चुके हैं, ठीक है, चाहिए क्या मेरा अननोन क्या है, हमको चाहिए फाइंड द क्रिटिकल नेट सेक्शन एरिया ऑफ द प्लेट, तो क्रिटिकल नेट सेक्शन एरिया ऑफ द प्लेट क्या होता है, मिनिमम ऑफ दिस 5, इस पांचों में से जो भी मिनिमम होगा वो होगा मेरा क्रिटिकल नेट सेक्शन एरिया, क्रिटिकल मतलब क्या होता है, प्लेट के फटने के सबसे ज्यादा चांसेस कहां पर होंगे, वहीं पर होंगे जहां पर सबसे ज्यादा एरिया कम होगा, जाहिर सी बात है जहां पर जितने ज्यादा होल होंगे, जिस सेक्शन पे जितने ज्यादा होल होंगे वहां पर फटने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि प्लेट कहां पर फटता है, जहां पर कमजोर है, कमजोर कहां पर होगा, जिस सेक्शन में सबसे कम एरिया मुझे मिला होगा, ये एरिया कौन सा होता है, प्लेट का एरिया होता है बोल्ट के होल को माइनस करने के बाद, ये होता है प्लेट का एरिया बोल्ट के होल को माइनस करने के बाद, तो सबसे कम एरिया जहां पर होगा वहीं पर प्लेट के फटने के सबसे ज्यादा चांसेस है, तो देखो पहला आंसर मेरा कितना आया था,
848, ये मेरा पहला आंसर था 848, दूसरा आंसर था 992, तीसरा आंसर था 1136, मतलब अब तक इन तीनों में से तो 848 सबसे कम है, सबसे कम क्या है 848। फिर क्या है यहाँ पर देखो, चौथा आंसर आया था मेरा 960, तो उससे कम है मेरा 848। पांचवा आंसर आया मेरा 1072, मतलब कि सबसे कम है मेरा 848। इसका मतलब क्या कहता है, द सेक्शन वन, दैट इज सेक्शन वन का नंबरिंग क्या है, देखो सेक्शन वन का मेरा नंबरिंग है 1 2 3 4 5। द सेक्शन फर्स्ट जो कि 1 2 3 4 5 इज द क्रिटिकल सेक्शन हैविंग मिनिमम नेट सेक्शनल एरिया। दैट इज कितना एरिया है उसका, सेक्शन वन का सबसे कम है 848 mm², 848 mm², तो मेरा प्लेट फटेगा फर्स्ट सेक्शन में से, क्योंकि सबसे कम एरिया उसी का है 848 mm। तो यही है आपका फाइनल आंसर जो आपको पूछा गया था कि क्रिटिकल सेक्शन बताओ कि इस स्टैगर्ड वोल्टिंग में क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पर है। क्रिटिकल सेक्शन वो सेक्शन होता है जहां से प्लेट फटने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। प्लेट फटने के सबसे ज्यादा चांसेस कहाँ पर होते हैं, जिस सेक्शन का एरिया सबसे कम होगा वहां पर प्लेट पहले फटेगी। तो सेक्शन का एरिया सबसे कम कहाँ पर आया, पहले पर आया 848, बाकी सब तो उनसे बड़े ही है। ठीक है, तो यही था हमारा फाइनल आंसर, 848 mm² इज द नेट सेक्शनल एरिया, इज द क्रिटिकल नेट सेक्शनल एरिया। ओके, तो सॉल्यूशन पार्ट यहाँ पर आपका खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाना, जरूर से लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। तो एक बार मैं पूरा स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, तो जहाँ पर आपको रुक के पढ़ना है पढ़ सकते हो।